नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। और हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 9 और उसमें जो हमारा विषय है अनिवार्य हिंदी। अनिवार्य हिंदी में हमारी जो पाठ्यपुस्तक है क्षितिज भाग 1, उसका 13वां अध्याय सुमित्रानंदन पंत उनके द्वारा रचित जो रचना है ग्रामश्री, जिसके भाग 2 का हमने अध्ययन किया था। और उसमें किस प्रकार की प्राकृतिक जो छटा है गांव की, किस प्रकार से फसलें लहलहा रही हैं और किस प्रकार से वह हमें आकर्षित कर रही हैं, तो उसका हमने अध्ययन किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम जो इसका भाग 3 है, जिसमें गांव की सुंदरता का वर्णन जो है कवि ने किया है अपनी रचना के माध्यम से। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्रत तरु की डाली। अब देखिए, अब रजत, अब इसमें जब बसंत ऋतु आती है, बसंत का जब आगमन हो रहा है, तो उस समय अपने देखते हैं कि जो आम है, आम के जो वृक्ष हैं उनके ऊपर जो मंजरियां हैं, जो फूल हैं, वो लग गए हैं। और वे किस प्रकार से लग रही हैं? रजत स्वर्ण, अब रजत कहते हैं चांदी और स्वर्ण मतलब सोना, कि सोने और चांदी के समान वे मंजरियां जो है प्रतीत हो रही हैं। अब कहीं पे तो उनका रंग सफेद है और कहीं जो है उनका रंग सुनहरा है। तो इस प्रकार से कवि इसमें कल्पना कर रहा है कि जो आम के वृक्षों के डालियों के ऊपर लगी हुई जो मंजरियां हैं, जो फूल हैं वसंत ऋतु में, तो वे चांदी और सोने के समान लग रही हैं। झर रहे ढाक पीपल के दल, अब देखिए झर रहे, अब ये जो यहाँ पे तो बसंत ऋतु का वर्णन कर दिया ऊपर वाली पंक्ति में, इसमें तो बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है और इसके अंदर जो है वो कौन सी ऋतु हो सकती है जहां पत्ते झड़ जाते हैं, बता सकते हो क्या? हाँ, इसमें जो है पतझड़ का वर्णन किया गया है। झर रहे ढाक पीपल के दल, अब दल का मतलब भी पत्ते होते हैं, अब ये दल का मतलब पत्ते, कि पतझड़ के आ जाने पर ढाक और पीपल के जो पत्ते हैं वो झड़ रहे हैं। हो उठी कोकिला मतवाली, और बसंत ऋतु आने पर जो कोयल है वह भी मदमस्त होते हुए कूक रही है, बोल रही है। महके कटहल मुकुलित जामुन जंगल में जर बेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दांडिंग आलू गोभी बैंगन मूली। अब देखिए बसंत ऋतु आ जाने पर किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। महके कटहल, क्योंकि चारों ओर वातावरण जो है आनंदित है, हर तरफ जो है खुशहाली है, हरियाली छाई हुई है, तो जो कटहल है वह भी पकने के बाद भी महक रही है, उसमें से खुशबू आ रही है। मुकुलित जामुन, अब जामुन जो है उसकी जो कलियां हैं, मुकुलित मतलब अधखुली कलियां, आपने देखा होगा जामुन का जो पेड़ है तो उसपे जामुन के जो फूल लगे रहते हैं, तो बिल्कुल ही जिस प्रकार से अपने आम के जो फूल हैं उसी के समान रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जामुन की जो फूल है वे अधखुली कलियों के समान है, पूरे खिले हुए नहीं है, मुकुलित है। जंगल में झरबेरी झूली, अब झरबेरी यानी कि जो झाड़ी वाली बेरियां हैं, छोटी जो बेरियां हैं वे भी अब जंगल में झूल रही हैं, अर्थात उनके ऊपर भी जो फल हैं, फूल हैं, वो आ चुके हैं। फूले आड़ू नींबू दांडी आलू गोभी बैंगन मूली, अब देखिए बसंत ऋतु आ जाने के कारण से जहां चारों ओर हरियाली छाई हुई है, तो उसका जो प्रभाव है वो किस प्रकार से अन्य जो पौधे हैं उन पर पड़ता है, अन्य जो फल हैं उनके ऊपर पड़ रहा है। तो देखिए फूले आड़ू, आड़ू जो है अब ऐसी सुंदरता को देखकर जहां पे जामुन की अधखुली कलियां हैं और कटहल महक रही है, आम की जो वृक्ष है उनके ऊपर मंजरियां जो है अपनी सुंदरता को बिखेर रही हैं, और साथ ही साथ जो झड़बेरियां हैं, जो झड़बेरी है जो जंगल में लगी हुई छोटी झाड़ी वाली बेरियां हैं, वे भी अत्यंत जो है फल और फूलों से लदी हुई है। तो ऐसा सब कुछ देखते हुए आनंदित होते हुए जो आड़ू है नींबू दांडी कहते हैं अनार को, अब ये दांडी मतलब अनार, अनार आलू गोभी और बैंगन और मूली जो है ये सभी जो है वे फल फूल रहे हैं, अर्थात इनके जो फूल हैं वे लग चुके हैं, अर्थात ये भी अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से कवि ने इस पद्यांश के माध्यम से किस प्रकार से वसंत ऋतु के आने पर परिवर्तन दिखाई दे रहा है गांव के वातावरण में, फसलों पर, पौधों पर और पेड़ों पर किस प्रकार का प्रभाव है, उस प्रभाव का इसने वर्णन किया है। इसके अंदर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आगे जो अगला पद्यांश है इसमें
पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चींटियां पड़ी। अब देखिए पीले मीठे अमरूदों में, अब पहले जो अमरूद लगे हुए थे वे हरे थे, हरे से वो पीले हुए हैं और पीले होने के बाद में वो पक गए हैं, पकने के बाद में उनमें चींटियां, अब चींटियां कहते हैं लाल जो रेखाएं धारियां जो पड़ गई हैं उसके ऊपर। आपने देखा होगा अमरूद जो है उसके ऊपर जो पका हुआ पीला जो अमरूद है, आप देखना कभी भी बड़ा जो अमरूद है ना उसके ऊपर लाल लाल चकते से पड़ जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो पूरी तरह से स्वादिष्ट हो गया, पक गया, वो लाल हो गया, वो पक गए सुनहले मधुर बेर। अब मधुर बेर यानी जो मीठे बेर है वो भी अब पक चुकी हैं। अब पहले यहां तो बताया था कि वो लगे हुए हैं, इस उपन्यास में हमने पढ़ा था, अब इसमें वो कह रहा है कि जो लगे हुए थे वो पक गए हैं और पकने से बहुत ही वो स्वादिष्ट हो गई है। पक गए सुनहले मधुर बेर, सुनहले मतलब सुनहरे, अब जो पहले बेर सुनहरे थे पीलेपन में थे, अब आपने देखा होगा सबसे पहले बेर का रंग हरा रहता है, हरे के बाद वो पीला होता है, पीले के बाद में वो लाल रंग में आता है, बदलता है, जब मीठा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो जो सुनहरे बेर थे वे भी अब मधु हो चुके हैं, लाल हो चुके हैं, पक चुके हैं वो भी। अमली से तरु की डाल जड़ी, अब अमली क्या होता है ये, अब आंवले के बारे में तो सुना है लेकिन अमली क्या है, क्या होता है ये अमली? अमली कहते हैं छोटा जो आंवला है उसको अमली कहा गया, स्त्रीलिंग रूप में ले लिया इसको, अब बड़ा आंवला तो हो गया, अब छोटे जो आंवले लगे उसको अमली कहा जाता है, आंवला नहीं कहते अपने इसको। कि जो आंवले के वृक्ष हैं, आंवले के जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं उनके ऊपर छोटे जो आंवले हैं उनके गुच्छे जो लटक रहे हैं, अब तरु की डाली जड़ी यानी कि जो आंवले के पेड़ हैं उनकी जो डालियां हैं वे छोटे छोटे आंवलों से जड़ चुकी है, अर्थात उनके ऊपर भी आंवले जो है छोटी जो आंवलियां हैं वे लटकती हुई दिखाई दे रही हैं। लह लह पालक मह मह धनिया, अब देखिए कि किस प्रकार से जो खेतों में लगा हुआ पालक है वह भी अब लहलहा रहा है, बड़ा हो रहा है, लहलहा मतलब बड़ा हो रहा है, ये लहलहा रहा है। मह मह धनिया, और धनिया जो है उसकी महक जो चारों ओर फैल रही है, अर्थात धनिया जो महक रहा है। लौकी ओ सेम फली फैली, अब लौकी ओ का मतलब और, लौकी और सेम फली जो है उसकी जो बेले हैं वे फैल चुकी हैं, उन पे फूल आ चुके हैं, बढ़ चुकी हैं ये भी। मखमली टमाटर हुए लाल, अब मखमली टमाटर यानी कि टमाटर जो है अब वह लाल हो चुका है और मखमल के समान मुलायम हो चुका है, वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। मिर्चों की बड़ी बड़ी हरी थैली, अब मिर्च जो है जो मिर्ची है ना, तो मिर्चों की जो मिर्च जो आपने देखा होगा छोटा जो पौधा है आप देखना कभी उसकी मिर्च जब लगती है गुच्छों में लगती है, ऐसे एक एक करके लगती है गुच्छों में लगती है वो, और ज्यादातर गुच्छों में लगी रहती है। तो मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और मिर्च जो है जो लगी हुई है पौधों के ऊपर तो उनके गुच्छे जो है वे ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कि कोई थैलियां जो है वो लटका दी गई हों और वे थैलियां धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं। तो इस प्रकार से किस प्रकार से इनमें परिवर्तन हो रहा है, पहले तो बसंत ऋतु में कभी बता रहा है कि वे लगे हुए हैं लेकिन बाद में धीरे धीरे वो कैसे बड़े हो रहे, तो उनमें कैसा परिवर्तन हो रहा है और किस प्रकार से हर किसी को वह आनंदित करने वाला है, जो किसान के द्वारा खेतों में उगाई गई पालक है, जो धनिया है, जो सेम है, जो लौकी है, तो इस प्रकार से हर प्रकार के जो पौधे हैं, जो फसल है वो हर प्रकार से हर किसी को आनंदित कर रही है। तो ये यहाँ पे जो ग्रामीण परिवेश है, जो प्राकृतिक वातावरण है गांव का, उसका वर्णन इसमें किया है कवि ने ग्रामशील के माध्यम से, जिसका आज हमने अध्ययन किया है भाग 3 के अंतर्गत। आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इसके अंदर कवि ने सहज शब्द है उनका प्रयोग किया है, ज्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया, सहज रूप से पढ़ने से ही इसका जो भावार्थ है वो हमें समझ में आ जाता है। तो जो कुछ कठिन था थोड़ा बहुत जो शब्द थे इसमें वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो इसमें अनुप्रास अलंकार का जो प्रयोग है वो किया गया है, जिससे कि जो पद्यांश है या काव्यांश भी कह सकते हैं इसकी जो सुंदरता है वो बढ़ रही है इससे। तो यह था हमारा अध्याय 13 सुमित्रानंदन पंत जिनके द्वारा लिखा गया जो कविता है ये ग्रामश्री, और उसके भाग 3 का हमने अध्ययन किया है। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।